जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कॉट्स जम्मू का दौरा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली एयर फाउंडेशन डे के मौके पर मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत नई ताकत का मुजाहरा कर रहा है। वबाई मर्ज के दौरान सिर्फ ज़राअत ही लोगों को राहत की सांस देती है, माशी तरक्की में ज़राअत की तरक्की अहम है। नई तहकीक की मदद से ज़रई शोबे को बढ़ाने के लिए पायदार तरीके लाने के लिए स्कॉट्स यूनिवर्सिटी और इस मुंसलिक शोबे के ताल्लुकात को मजबूत किया जाना चाहिए। हमें मस्नूई ज़हानत की मदद से नई ताकत पैदा करनी है। आज दूध काश्तकारी का शोबा वज़ीर आज़म की मदद से वापस आ रहा है और फल फूल रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर मुमकिन तआवुन कर रहा है। 3 साल पहले किसानों की माहाना आमदनी कम थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और किसानों को उनकी फसलों की हकीकी कीमत मिल रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर डिवीजन के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं है। आज हम नए संकल्प के साथ किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से ये संभव हो पाया है कि हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। डाइवर्सिफिकेशन हो, रायड एक्टिविटीज हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, इन 3 एलिमेंट को प्रमोट करके ट्रेनिंग एक्सटेंशन और सर्विसेज का एक्सेस, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, इन 4 एस्पेक्ट्स पर केंद्रित तरीके से काम करके एक मुकाम तक हम पहुंचे हैं। 3 वर्षों में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे क्रेडिट फैसिलिटी, फार्म मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन के फायदे किसानों को मिले हैं, लेकिन मैं जानता हूं अभी भी बैंकों द्वारा खासतौर से जम्मू रीजन के किसानों तक क्रेडिट बहुत नहीं पहुंच रही फाइनेंशियल के लिए। मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं, प्रशासन के स्तर पर हमारे प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार जी निरंतर बैठकें कर रहे हैं, मैं भी बहुत नजदीक से उसको मॉनिटर कर रहा हूं। देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से फाइनेंसिंग किसानों को हुई है, उतनी कम से कम फाइनेंसिंग जम्मू कश्मीर के किसानों को हो, इसकी हर कोशिश की जा रही है। छोटी छोटी बातों पर यहां के लोग बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूं ये एक ऐसा विषय है जो जम्मू रीजन के किसानों की बड़ी आबादी की तकदीर बदल सकता है। हम सबका ध्यान इस पर है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जहां भी आपको लगता है कि बैंकों के द्वारा इस क्षेत्र में कमी हो रही है, हमारे जो एग्रीकल्चर और लाइफ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं आप जरूर उनसे बताएं, जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी हैं उन्हें बताएं, और अब तो डिजिटल गवर्नेंस में आप सीधे प्रमुख सचिव हमारे जो कृषि के हैं उनको आप बता सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की हाई होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की चर्चा, कुछ चीजें विरासत में यहां मिलेंगी। जम्मू रीजन में कानूनन हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं हो सकता था, 4 साल पहले ये स्थिति थी। इस कानून को बदला गया, अब कोई भेद नहीं है कश्मीर में और जम्मू में।